तो भाइयों देखें, मोहम्मद शफीक साहब जो है मेरे बाल दाढ़ी जो है शेव करने लगे हैं, चूँकि परसों ईद है और परसों की तैयारी जो है चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है, बस यही अब बाल बनवाना और दाढ़ी सेट करवाना बाकी रह गया था, तो वही करवा रहा हूँ। अब ये देखता हूँ ये कि सलीम भाई जो है किस तरह से मेरी दाढ़ी और बाल को सेट करते हैं। सॉरी सलीम भाई बोल रहा हूँ, शफीक भाई इसे बनाने देते हैं आराम से। तो गाइस हमारी बाल दाढ़ी की कटिंग हो गई है और शफीक भाई को कितना नंबर दिया जाए बाल दाढ़ी में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं जरूर। बाल खड़ा नहीं ना होगा जी शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग सरवर खान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले भाई हर बार की तरह इस बार भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर भी कर लें। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, अभी देखा आपने हमने दाढ़ी बाल वगैरह बना करके चल आ गया हूँ और यहाँ आने के बाद मालूम चला कि अभी तक कबूतर के बच्चों को खाना वगैरह नहीं दिया गया है, तो उसे अभी जो है फिटिंग कराऊँगा और फिटिंग कराने के बाद है जो है अगर मौका मिला तो चलेंगे डोंडा बाज़ार और डोंडा बाज़ार का विजिट आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का किस तरह से वहाँ बाज़ार लगाई गई है, चूँकि ये पहली साल है उस बाज़ार की जो वहाँ पे लगी है। और चलते हैं आपको दिखाते हैं, उससे पहले जो है अपने कबूतरों को फीड करवा दें। ये काफ़ी बदमाश है दोस्तों, ये फीड करने में इतनी नौटंकी करती है ना, इसका तो जवाब ही नहीं, ये इतनी ज़्यादा बदमाश है लेकिन ये भाग जाती है। इसे फीड करवाओ, देखो देखो इसकी बदमाशी देखें। रुको बेटा रुको 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 रुको, हाँ 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 बस 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 आ जा उसका तो हो गया। बाजवा का बारी है, अजवा जो है आ जा अजवा, अजवा को ऐसे एक सीरीज जो है उसको दे दिया गया है। इसे दवा भी देना है क्योंकि इसके जो है गर्मी की वजह से जो है दाना वगैरह वो निकल रही है। देखिए ये कितने आराम से खाती है अजवा, पूजा बेटा वो कितना झटपटा थी, थोड़ा थोड़ा करके जो है चीता आगे कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। और रुको 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 ये एक पूरी चौर है उसे खिला देता हूँ। तो गाइस अभी हम आ गए हैं रतन टाटा चौक के पास, अभी फहीम भाई का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों को डोंडा बाज़ार आप सभी को दिखाना है और हम लोग को भी देखना है कि वहाँ पर किस तरह से जो है बाज़ार लगी है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आज जो है 29 रोज़ा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम मुझे लगता है कि 30 रोज़ा इस साल हम लोग रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सालों के बाद जो है इस तरह का माहौल आता है, महीना आता है कि रोज़ेदार 30 रोज़ा रख पाते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी साल गुजर चुके हैं, मुझे याद भी नहीं है कि कब हमने 30 रोज़ा रखा था इस साल, पर इस साल जो है हम लोग 30 रोज़ा रखेंगे क्योंकि आज 29 हो गया, कल जो है 30 हो जाएगा, आज रात में जो है आखिरी सहरी हम लोग करेंगे इस साल की अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मज़ा आ रहा है पर रोज़ा जाने का दुख भी है कि रोज़ा जो है जा रहा है। तो फहीम भाई का इंतज़ार करते हैं, आते हैं तो फिर चलेंगे डोंडा बाज़ार और सब आप सभी को दिखाते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं रिश्तेदार साहब बाबा मजार के पास, और यहाँ पर जो है इसी कैंपस के पास जो है आपका ईद का बाज़ार पहली बार लगा है, पहला सीजन है यहाँ पर इन लोगों का। और माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अभी चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे। ये आपका जो है मजार शरीफ है, ये पूरी जो की पूरी जो है मजार शरीफ है। यहाँ पे मस्जिद है मजार शरीफ की, और आपका मेरे उल्टे साइड में जो है वो मेला का एंट्रेंस है, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखे गए यहाँ पे जो है इसी उस मैदान में ही जो है इस साल जो है क्या बोलते हैं ईद का बाज़ार लगाया गया है। बाहर में पार्किंगों के लिए जगह छोड़ी गई है दोनों साइड, इस साइड में भी और आपका इस साइड में भी, और बच्चों के लिए जो है झूले वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है। अभी उधर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, अभी तो फ़िलहाल चलता हूं अंदर के साइड में, और अंदर के साइड में आपको यहां का जो नज़ारा है जो व्यू है वो आपको दिखाता हूं। तो हम लोग आ गए हैं अंदर के साइड में, और देखें घुसते ही के साथ में जो यहां पर जो है ये थे ना, ये देखें यहाँ पर क्रॉकरी आइटम जो है वो मिल रही है, ये देखें माशाल्लाह। और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है सभी तरफ जो है दुकानें लगाई गई हैं, कहीं कहीं पे कुछ कुछ जो है मिल रही है, आपको धीरे धीरे दिखाते चलूँगा। अभी चलते हैं उधर और उस साइड में आपको दिखाते हैं। और एक हमारे भाई भी मिल गए हैं, आपको उनसे भी मिलवाता हूँ, यहाँ के कुख्यात समाज से भी हमारे बड़े भाई जनाब इमरान रजा अंसारी साहब भी मौजूद है, इनसे मिले। और क्या हाल चाल है जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद एडवांस में। चलिए आपको भी ईद की जो है मुबारकबाद हम लोग की तरफ से एडवांस में। स्मार्ट भाई और साथ में यहाँ पे फहीम भाई के साथ मैं आया हूँ। अब यहाँ दिखाता हूँ आपको जितने स्टॉल है वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला स्टॉल में आ चुके हैं, और पहला स्टॉल में जो है लेडीज़ के कपड़े वगैरह सेल किए जा रहे हैं। सूट पीस का ये कपड़ा है, और ये ठीक हम इंट्रेंस से घुसेंगे तो बाई के जानिब है, और उसके बगल में भी जो है लेडीज़ के लिए ही आइटम बेचा जा रहा है, वहाँ भी कपड़े बेचे जा रहे हैं। और इधर जो है देखें पर्स वगैरह की दुकानें, बच्चों के खिलौने। अभी हम लोग जो है बाएं जानिब से घूम रहे हैं, और यहाँ पे देखें इसे हम लोग मनिहारी की दुकान बोलते हैं, जो लेडीज़ों के कान की बालियाँ चूड़ी वगैरह जो है वो सेल हो रहे हैं। वहाँ पे मेकअप की दुकान है, लेडीज़ ज़्यादा है इसलिए उधर नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखें ये इस साइड में जो है साफ़ सफाई का आइटम है पूरा, छोड़। अब चलते हैं आगे, और आगे में क्या क्या आइटम है वो दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर भी जो है लेडीज कपड़े वगैरह की दुकान, यहाँ पे चूड़ी वगैरह सेल की जा रही है। ये देखें और हम अब पहुंच गए हैं बच्चों के खिलौने की शॉप है यहाँ पे। देखें ये तरह तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे देखें, हेवी हेवी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल रही है। देखें ये सारे, ये देखें ये बनी मिस्टर बनी। और क्या हाल चाल है? तो देखें गाइस यहाँ पर जो है बैग वगैरह मिले जा रहे हैं, लेडीज बैग नॉट जेंट्स बैग। और यहाँ पर देखें चिकन बाइट्स का आइटम जो है वो सेल किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है अचार का सेटअप है, तरह तरह के अचार वगैरह जो है यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है मिक्सचर वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे सेवैयाँ हैं, तरह तरह की सेवैयाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
खरीदने को मिलेगी। यह लच्छा समय है। इसके अलावा यहाँ पर जो है घड़ियों का आइटम है, चश्मे हैं, सनग्लासेस है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है मनिहारी वगैरह की शॉप जो है वो लगी हुई है। और ये आगे आपको चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखें सजावट के लिए जो है यहाँ पर बेहतरीन सेटअप भाई ने लगाया है। ये आर्टिफिशियल फूल वगैरह है, पर इसमें एक परेशानी ये हो जाती है, पुराने हो जाने के बाद ये गंदे हो जाते हैं। ये देखें तरह तरह के कलरफुल जो है पॉट वगैरह सब सेल किए जा रहे हैं। ये आपको जैसा अच्छा लगे वो ले लें यहाँ से आकर के, और रीजनेबल प्राइस है यहाँ का। देखें इसकी चेक करें, कुर्ते की बंडी है। उसके अलावा ये येलो कलर के कुर्ते हैं, बच्चियों के लिए जो है फ्रॉक वगैरह भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर दुकान जो है मनिहारी वगैरह की दुकानें जो है यहाँ पे लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो है क्या मिल रहा है। यहाँ पे खट्टी मीठी गोलियाँ वगैरह सेल की जा रही है। ये तो बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो गई। मौत फ्रेशनर जिसको हम लोग बोलते हैं वो सारा चीज़ें यहाँ। ये इमली की गोली, गजब। इमली के नाम सुन करके ही लोगों के मुंह में जो है पानी आ जाते हैं। सारे जो है आइटम डब्बे में पैक है। और यहाँ पर कॉस्मेटिक आइटम जबरदस्त, वाह 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 जबरदस्त। अब कुछ दुकानें वहाँ पर भी लगी हुई है जो वही आइटम है जो बाकी में आपको दिखाया। और यहाँ पर भी बीच में भी स्टॉल है, यहाँ पे ट्राउजर वगैरह जो है सेल हो रही है। ये देखें इसकी कहानी मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जब रमज़ान स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे काफ़ी मतलब खूबसूरत सा सेटअप बनाया गया था। अभी तो आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे उतना आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, पर जिस समय स्टार्टिंग में ये बनी थी वो काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप बनी थी और जो है देखने लायक थी। फूल वगैरह से सजो सजावट किया गया था। ये स्टेज जो आप देख रहे हैं, ये स्टेज में भी जो है बेहतरीन से जो है फूल वगैरह का डेकोरेशन किया गया था। और वहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी है, वो देखें जंपिंग झूला तो यहाँ पे किया गया था। अचानक से क्या हुआ दोस्तों, 15 रमज़ान जब आई उसके बाद इतनी ज़बरदस्त वाली आंधी और तूफान आने लगी, बारिश होने लगी कि सारा का सारा सेटअप जो है ये सारा का सारा सेटअप उड़ करके ज़मीन में धराशाई हो गया। और उसके बाद फिर से जो है इन लोगों ने सेटअप को फिर से बनाया। इन लोगों को हौसले को सलाम करूँगा। फिर से ये सेटअप को कंप्लीट किया गया और जो है फिर से लोगों को दुकान यहाँ पे दी गई। और यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं आप नज़ारा वो चल रहा है। कल इंशाल्लाह जो है काफ़ी भीड़ रहेगी, कल चूँकि चांद रात है। चांद रात की ब्लॉग मैं आपको अलग से बना के दिखाऊँगा। और वहाँ पीछे में देखें वो बाबा का मज़ार, और यहाँ पे देखें हीरा कुल्फ़ी, ये बचपन में खाया करता था हीरा कुल्फ़ी। ये अभी गिरने से बच गया। अब निकलते हैं बाहर की तरफ और बाहर चलते हैं झूले की तरफ, आपको लेके चलते हैं झूले में दिखाते हैं कि किस तरह का झूला है लगा हुआ। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं दोस्तों, अब चलते हैं झूले की तरफ। झूला यहाँ पे जो है दो तीन तरह की झूला लगाई गई थी, चूँकि स्टार्टिंग में काफ़ी झूला लगी थी, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से जो है सभी को परेशानी होने लगी, जिसके कारण जो है बहुत से झूले वाले जो है बंद कर दिए। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे, देखें बच्चे जो है जंप कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखें गाइस यहाँ पर जो है इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पर ये जहाज वाले झूले, वहाँ पे जंपिंग यार्ड।
चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब घर जाने का भी वक्त हो गया। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर भी करें। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।